कराची से अपडेट करें 27 न्यूज़ ब्यूरो ऑफिस इस्तेहकाम। पाकिस्तान में पार्टी के एनए 244 के उम्मीदवार अजहर चौहान और पीएस 117 के उम्मीदवार इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के आबिद खोकर साहब ने 27 न्यूज़ के ब्यूरो ऑफिस में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से अपनी राय दी और कहा कि इंशाल्लाह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में अगर जीत जाती है तो आवाम के दरमियान मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस बार इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी NM244 के कैंडिडेट के उम्मीदवार अजहर चौहान साहब और PS117 के कैंडिडेट के उम्मीदवार आदिल खोकर साहब हमारे 27 न्यूज के स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे जानते हैं जो NM244 के कैंडिडेट के उम्मीदवार जो है अजहर चौहान साहब, इनसे जानते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन जो बिल्कुल तारीख मिल चुकी है और इलेक्शन की तैयारी जोर शोर से जारी है, तो इसके बाद क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि 27 न्यूज़ ने मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान साहब का, जहांगीर दरी साहब का और सिंध के सदर जनाब महमूद मौलवी साहब, नायब सदर जनाब फिरोज शेख साहब का। बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया NM44 से उम्मीदवार का और हम जो है ये इलेक्शन की तैयारियां अपनी जगह हैं। हम अगर इलेक्शन में जीत जाते हैं, अगर हमारी हुकूमत आती है, हुकूमत में आने का मकसद ये है कि अपनी आवाम के साथ इंसाफ करना। मौजूदा दौर हुकूमत में बहुत से लोग इक्तदार में आए, सबको मालूम है, असर 30-35 साल से आए चले गए और उरूज के चोटी पर थे। अगर वो चाहते तो गरीब आवाम को चांद पर ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारी आवाम को कपड़ा, बिजली, पानी, गैस हर चीज़ छीन ली, रोटी कपड़ा मकान का वादा करके पानी बिजली गैस तक छीन लिए। हम कब तक इन हुक्मरानों में यरगमाल होते रहेंगे? पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी का जो विजन है, जो मंशूर है, वो बहुत अच्छा है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह रहमान इस पार्टी अवाम नाज को बहुत फायदा होगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ NM244 के उम्मीदवार अजहर चौहान साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मौजूद थे, इनकी जबानी आपने सुनी। अभी हमारे साथ PS117 के उम्मीदवार आबिद खोकर साहब मौजूद हैं, इनका भी ताल्लुक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से, इनकी जबानी चाहते हैं कि आखिर जो इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है और इनकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है, क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तैयारी जोर शोर जारी है। जैसे कि दीगर जिलों में आप देखते हैं, पंजाब का इलाका हो या दीगर जिलों में भी बिल्कुल तैयारी जोर शोर जारी है, तो इनका जो हल्का है 2017 उसमें इनकी क्या तैयारी चल रही है? जी सलाम वालेकुम। सलाम जल्दी, शुक्रिया आपने हमें 27 न्यूज में दावत दी, बुलाया। मैं शुक्रगुजार हूँ जहांगीर तरीन साहब का जो हमारे पार्टी के चेयरमैन हैं और अलीम खान साहब का और सदर महमूद मौलवी साहब का, जिन्होंने हमें यहाँ से चुना, मुंतखब किया आवाम की खिदमत के लिए। और इंशाल्लाह ताला हमें टाइम कम मिला है, लेकिन रिज़ल्ट हम कोशिश करेंगे 100% देने का और इंशाल्लाह ताला आवाम की आवाज़ बनेंगे और अवाम तक, अगर हमने आवाम ने चुन लिया तो आवाम की आवाज़ हम अवाम तक पहुँचाएँगे। और जो उनके बिजली, पानी, गैस, रोटी कपड़ा का वादा तो नहीं करते, लेकिन ये जो तीन चीज़ें हैं, बिजली, पानी, गैस, ये इंशाल्लाह ताला इनको मुहैया करेंगे और इनकी तकलीफ़ों में साथ खड़े होंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि इन दोनों मिला के अपनी जबान सुनी का ये कह रहा है कि बहुत सी पार्टियां जो हैं, दीगर पार्टियां जिनके ये नाम लेना चाहते हैं, बस यही कहना चाहते हैं, कराची शहर की आवाम जो है वो बिलखसूस जानती है कि बहुत सी पार्टियां ने कराची सिंध में जो राज किया है, पर इनका ये कहना है कि अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वीन कर जाती है और अच्छी भारी असर पे कामयाब हो जाती है तो इंशाल्लाह आवाम को हमें कहने की जरूरत नहीं होगी, हम करके दिखाएंगे, मुसब्बित साबित कदम के साथ खड़े रहेंगे और इनकी आवाज़ जो है आला हुकाम तक, अहमान तक पहुँचाएंगे ताकि इनके मसले मसाइल जो है वो हल किया जाए। कैमरा मैन अदनान के साथ एजाज अहमद खान, 27 न्यूज़, कराची।